हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के डिस्क क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में चल रही है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एलपीएन टेक्नीशियंस की वैकेंसीज इस ईयर आती है तो नोटिफिकेशंस आउट होने के बाद और आपकी जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बीच में टोटल कितना टाइम लगने वाला है, प्लस और क्या जानेंगे इस वीडियो में कि नोटिफिकेशन आउट होने के बाद कितने टाइम के बाद आपकी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम होने वाली है, सीबीटी 2 की एग्ज़ाम कब होती है, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के हेल्प से मिलने वाली है। अगर सारी प्रोसेस जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है वैकेंसीज आने के बाद अगर नॉर्मल रहेगी तो कितना टाइम किस में लगने वाला, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर चैनल पर मेरे भाई नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि रेलवे की जॉब से रिलेटेड आपको मोटिवेशंस, गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस YouTube चैनल पे आपको मिलता है। तो देखो, मैंने जो अपना लिया हुआ सारा डेट का जो इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन जो टोटल 21 आरआरबी बोर्ड है उसमें से किसी एक बोर्ड से मैंने उठाया हुआ है, क्योंकि जो 2018 की एलपीएन टेक्नीशियंस की जो वैकेंसीज निकली थी, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, वो प्रक्रिया जो होती है पूरी तरीके से एक नॉर्मल जो प्रोसेस होती है ना, उसमें कोई अड़चन नहीं आई थी। क्या एक अड़चन आई थी वो भी हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी डेट जो है मैंने उसको जो है नोट करके मैंने अपने नोट्स में रखा हुआ है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जो है नोटिफिकेशंस कब आउट हुआ था। तो नोटिफिकेशंस देखो जो आउट हुआ था आपका एलपीएन टेक्नीशियंस का, वो आपका आउट हुआ था 3/2/2018। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फरवरी के मंथ में 2018 में जो है नोटिफिकेशंस एलपी ऑब्लिक टेक्नीशियंस की आउट हो चुकी थी, और उसमें जो है इसका जो एम्प्लॉयमेंट का जो नोटिस का जो नंबर था 01/2018। ठीक है, तो 3/2/2018 फरवरी में तो इसका नोटिफिकेशंस आउट हो गया कि अब भाई एलपीएन टेक्नीशियंस के जितने भी सारे कैंडिडेट जो एलिजिबल है फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद टोटल एक महीने की जो है प्रक्रिया चलती है फॉर्म को भरने के लिए, और टोटल उसमें जो है नेक्स्ट मंथ 5 मार्च 2018 तक जो है एक महीना लगभग दिया गया था आपको फॉर्म को भरने के लिए। अब देखो, जैसे आप फॉर्म को भरते हो भाई, लाखों करोड़ के आसपास जो एप्लीकेशन जो होती है पहुंच जाती है गवर्नमेंट के पास। तो आपने जो डेटा दिया हुआ, जो फोटो, जो सिग्नेचर और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरते हो, वो सारे चीज़ इनको चेक करने में कि भाई सही है कि नहीं है, लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो आप यहाँ से ये समझो कि आपने जैसे ही वैकेंसीज आएगी फॉर्म भरोगे तो एक महीने तो भैया फॉर्म भरने का प्रोसेस चलता है आपका। ठीक है, और बात करेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेट है कि उसके बाद 2/3/2 मतलब फरवरी मंथ में तो इसकी नोटिफिकेशन आउट हो गई थी, और 3/3/2018 के आसपास में जो इसकी वैकेंसीज जो है इसका जो फॉर्म भरना वो बंद हो चुका था। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जिसका नोटिस निकल के आया था वो निकला था 21/7/2018, मतलब 21/7 आप समझ रहे हो, लगभग नोटिफिकेशंस आउट होने के 5 मंथ्स के बाद जो है सीबीटी 1 की डेट जारी हो रही है। और सीबीटी 1 जो है एग्ज़ाम की डेट जारी कितने दिन पहले की जाती है, तो सीबीटी 1 स्टार्ट होने वाला था 9/8, ठीक है, और मतलब 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, और 21 जुलाई को जो है आपका नोटिफिकेशंस आ गया था। लगभग मतलब 17 दिन जो है सीबीटी एग्ज़ाम होने से पहले ही जो नोटिफिकेशंस आपका आ गया था कि भाई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे ये समझ में आया कि अगर वैकेंसीज की अगर नॉर्मल प्रक्रिया चलने वाली है तो फॉर्म भरने में एक महीना लगेगा, उसको पूरा जाँच पड़ताल करने में इसको 4 से 5 महीने लग जाने वाले हैं, और आपकी जो सीबीटी 1 की जो डेट आने वाली है लगभग 5 मंथ्स के अप्रोक्स में आती है, जो लास्ट में 2018 में आ चुकी है। तो ये आगे भी हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल भर्ती की अगर प्रक्रिया रहती है तो। उसके बाद सीबीटी 1 का जैसे ही आपका अनाउंसमेंट हो जाता है भाई कि हाँ 21 जुलाई के आसपास अनाउंसमेंट हो गया कि सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट मंथ कब होने वाला है आपका, 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। जब आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद भाई रिजल्ट की बारी आती है, तो रिजल्ट कोई जारी करने से पहले वो उसको आंसर की जारी करते हैं, उस आंसर की में जो आपका क्वेश्चंस पेपर रहता है उसको उसमें दिखाया जाता है कि भाई आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने किए हैं, कौन सा क्वेश्चंस का आपने क्या ऑप्शन लगाया है, और रेलवे का क्या क्या आंसर्स है। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तब फिर आप उसको क्या करते हो, चैलेंज करते हो, तो फिर उसके बाद आपकी फाइनल एक जो है रिजल्ट निकल के आती है। तो फाइनल जो रिज़ल्ट निकल के आया था, और मैं आपको बताना चाहूँगा सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट आया था 2018 में उसमें 2 बार आई थी, उसमें रिवाइज रिजल्ट भी आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उस टाइम प्रोटेस्ट भी हो रहा था, ठीक है। तो जब उसकी अगस्त मंथ में जब उसकी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई तो लगभग आपका फाइनल रिजल्ट सीबीटी 1 का आया था 20/12/2018 में। मतलब आप समझ सकते हो कि भैया एक तो आपको अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है और लगभग 3 से 4 महीने लग गए तो उसको फाइनल रिजल्ट जारी करने में, किसका, आपका
CBT 1 का, लेकिन जब CBT 1 का आपका रिजल्ट जारी हो गया तो भाई CBT 2 की बारी है। तो CBT 2 का जो डेट का जो अनाउंसमेंट हुआ था आपका 9 जनवरी को डेट का अनाउंसमेंट हो रहा है कि 21 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला, मतलब जस्ट 12 दिन पहले CBT 2 का आपका डेट अनाउंसमेंट होता है कि 9 जनवरी को कि CBT 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है LP ऑब्लिक टेक्नीशियंस का, वो कब होने वाला आपका, वो होने वाला 21/1। मतलब इसमें आपको ये समझ में ये आ गया होगा कि CBT 1 और CBT 2 के बीच में अगर नॉर्मल प्रोसेस चलती है भर्ती की प्रक्रिया की तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। कितना टाइम भाई आप देख सकते हो, ओनली 19 डेज के आसपास दिया गया था, मतलब फाइनल रिजल्ट CBT 1 आने के बाद CBT 2 का डेट का अनाउंसमेंट, फिर CBT 2 का जो डेट का अनाउंसमेंट आ गया अपने, CBT 2 का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया 21 जनवरी के आसपास, उसमें एग्ज़ाम भी चला था, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरीके से जब आपका एग्ज़ाम CBT 2 का कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप ऑब्जेक्शंस करते हो, जब आंसर के आने के बाद फिर आपकी फाइनल रिजल्ट निकल के आती है। तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आई थी आपका, अगर ALPN टेक्नीशियन CBT 2 की अगर मैं बात करूं तो 5 अप्रैल 2019 को निकल के आया था, मतलब जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ और लगभग 3 महीने के बाद जो है आपकी CBT 2 की जो यहाँ पे निकल के आ गई, क्या रिजल्ट निकल के आ रही है। अब मेरे बात यहाँ से स्टार्टिंग से ध्यान देना, खास करके जो ALPN टेक्नीशियंस के बंदे होंगे उनको भाई CBT 2 तो मतलब टेक्नीशियन वाला जो बंदा रहेगा उसको भी CBT 2 देना है, दोनों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 कॉमन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही CBT 2 का रिजल्ट आ गया तो जो बंदे दोनों के प्रेफरेंस डाले होंगे, LP भी डाले होंगे और टेक्नीशियंस भी डाले होंगे, तो भाई जो बंदा का दोनों प्रेफरेंस रहेगा तो उसको अब थर्ड स्टेज साइको भी देना पड़ेगा। तो साइको की डेट की अगर अनाउंसमेंट की अगर आप बात करोगे तो 4/6 मतलब लगभग अगर मैं बात करूं 10/5 मतलब 1 महीने का बाद जो है फिर से आपका साइको का एग्ज़ाम का डेट का जारी होता है कि भाई आपका एग्ज़ाम होने वाला साइको का, और उसके अगले 1 महीने में जो है 4/6 जून में जो आपका एग्ज़ाम हो जाता है साइको का, और फाइनली आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ पब्लिश कर दिया जाता है। और DB मेडिकल के लिए जो बुलाने के लिए जो डेट रहता है वो सारे RRB बोर्ड की अलग रहती है। तो जैसे ही 4/6/2019 को आपका सारे मतलब साइको का भी आपका रिजल्ट आ गया तो DB और मेडिकल के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहते हैं तो 15/6/2019 मतलब 15 जून 2019 के आसपास में उनकी सारे बंदों को भाई हाँ आपको DB और मेडिकल में आना, उनका नाम लिस्ट जारी किया जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई DB और मेडिकल तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, फरवरी 2018 में वैकेंसीज आई, लगभग आपका 5 महीने भैया उसको अप्लीकेशन वगैरह को जांचने में लग गया, फिर उसकी जुलाई में जो है फर्स्ट डेट आ रही है फॉर्म भरने के, लगभग 5 महीने के बाद आपकी अगस्त में जो है एग्ज़ाम होती है, अगस्त में एग्ज़ाम होने के बाद फिर से रिवाइज रिजल्ट आंसर की वगैरह जारी करने के बाद फाइनल CBT 1 का रिजल्ट हमारा दिसंबर में देखने को मिला 20 दिसंबर 2018 को, फिर जो CBT 2 की जो डेट हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे 9 जनवरी 2019 को देखने को मिला, जिसमें 12 दिन पहले जस्ट CBT 2 का डेट अनाउंसमेंट हुआ था, और CBT 2 का एग्ज़ाम जैसे आपका जनवरी में कंप्लीट हो गया फिर इसकी जो रिजल्ट आई थी वो आई थी अप्रैल में। मतलब CBT 2 की रिजल्ट कितने टाइम के बाद आई यहाँ पे, लगभग 3 महीने के बाद देखी जा रही है, और फिर आने वाले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसमें साइको और DB और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जा रहा है, और DB और मेडिकल बुलाने के बाद हो सकता है किसी किसी बोर्ड में 1 से 2 महीने के बाद ज्वाइनिंग आ जाती थी, किसी में 3 मंथ्स भी लगते थे। मतलब अगर मैं यहाँ पर रांची बोर्ड की अगर मैं लेके चलता हूँ किसी एक बोर्ड में, तो रांची बोर्ड ने भैया जो आपकी फाइनल जो इनकी जो मेडिकल बुलाया गया था इनको जुलाई में मेडिकल इनका हुआ था, और फाइनल जो है जैसे मेरा रांची बोर्ड था मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। तो इसमें एक समझ में यह है कि अगर नॉर्मल प्रक्रिया अगर ALPN टेक्नीशियंस की मेरे भाई चलने वाली है तो लगभग 1 ईयर 8 मंथ के आसपास चली थी। तो ये अगर जैसे कि जो रिवाइज रिजल्ट वगैरह दिया गया था 2018 में अगर वो सारी प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाए, प्लस अगर जो फॉर्म की जो जांचने की जो प्रक्रिया है अगर वो बढ़ जाए, मतलब तो जल्दी फॉर्म को जांच करके CBT 1 का अगर रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाए तो मे भी ये 1.5 साल के अंदर ये वैकेंसीज को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि CBT 1 अगर आपने फॉर्म भरा तो लगभग 5 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद CBT 1 का एग्ज़ाम होने की चांसेस, उसके पहले इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि आप जो फॉर्म डालते हो इतने सारे तो भाई फॉर्म को चेक किया जाता है। ये सारी मैं आपकी 2018 के वैकेंसीज के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि 2018 की जो वैकेंसीज की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से आपकी नॉर्मल प्रक्रिया रही थी, ठीक है। तो चलो फिर भी अगर कोई मन में डाउट हो कि एक तो चीज़ समझ में आ गया कि फॉर्म निकला CBT 1 के बीच में तैयारी करने में 5 मंथ, ठीक है, फिर रिजल्ट में कब आया आपका
फाइनल रिजल्ट आपका अगस्त के बाद आपको दिसंबर में देखने को मिला, तो उसमें फिर 4 मंथ लग गए हैं। लेकिन सीबीटी टू और सीबीटी रिजल्ट के सीबीटी वन का रिजल्ट और सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम का डेट का अनाउंसमेंट है उसमें बस भैया कितने दिन का डिफरेंस रहा, लगभग 19 दिन का डिफरेंस रहा। तो इसलिए भैया तैयारी अपना अच्छे से करो, ठीक है। मैं भी हो सकता है कि इस बार वैकेंसीज निकले और 2-3 महीना में आपका सीबीटी वन का डेट अनाउंसमेंट हो जाए, अगर जो एप्लीकेशंस जो फॉर्म्स होते हैं उसकी जांचने की अगर प्रक्रिया जल्दी रहेगी तो ये भी पॉसिबल हो सकती है। चलो फिर भी अगर मन में कोई मेरा भाई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, देर से सही बट मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखो और मन में कुछ भी अगर डाउट हो मेरे भाई तो उसमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, और कुछ सुझाव और कुछ टॉपिक अगर आपका डिमांड भी रहेगा तो वहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।